कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेशवासियों को तीन बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 नवंबर को गीता पूजन और यज्ञ के साथ गीता महोत्सव का आगाज करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, हरियाणा ई टिकटिंग प्रोजेक्ट व 950 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा जिले के मेडिकल कॉलेज का राष्ट्रपति द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। वहीं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी, हरियाणा व मध्य प्रदेश पवेलियन गीता सेमिनार का भी राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगी। आपको बता दें कि इन तमाम कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आज देर शाम उपायुक्त शांतनु शर्मा व पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का शुभारंभ करने के साथ साथ 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का विधिवत रूप से आगाज किया जाएगा। इस महोत्सव के साथ साथ सूचना, जनसंपर्क व भाषा विभाग की राज्य स्तरीय हाईटेक प्रदर्शनी, हरियाणा में मध्य प्रदेश पवेलियन, गीता शिल्प मूर्ति उद्यान के साथ साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का भी राष्ट्रपति शुभारंभ करेंगे। इन कार्यक्रमों के उपरांत राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इन सभी कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उपायुक्त शांतनु शर्मा आज देर शाम 29 नवंबर के कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दे रहे थे। इससे पहले उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया, एडीसी अखिल पिलानी, एएसपी करण गोयल सहित अन्य अधिकारियों ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हेलीपैड, ऑडिटोरियम हॉल, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साथ ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में कार्यक्रम स्थलों पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के सख्त आदेश भी दिए। उपायुक्त ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, कुलसचिव डॉक्टर संजीव शर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार के हर पहलू के बारे में चर्चा की और सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। इसके उपरांत उपायुक्त ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर रमना और अन्य अधिकारियों से दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियों को लेकर समय रहते प्रबंध करने के बारे में चर्चा की है। उपायुक्त ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के मुख्य कार्यक्रमों का आगाज ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच गीता पूजन में यज्ञ में आहुति डालकर किया जाएगा। इसके बाद सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, हरियाणा में मध्य प्रदेश पवेलियन, गीता शिल्प मूर्तिकला उद्यान का उद्घाटन करेंगी। इसके उपरांत अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का शुभारंभ करने के साथ साथ प्रदेशवासियों को तीन बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी देंगी। इन सभी कार्यक्रम स्थलों पर प्रोटोकॉल के अनुसार सभी प्रकार के प्रबंध पूरे किए जाएंगे। सभी अधिकारियों को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना होगा ताकि सभी कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा सके। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया ने कहा कि 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रमों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। सभी कार्यक्रम स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा और सभी से अनुरोध भी किया जा रहा है कि राष्ट्रपति के आगमन के बाद किसी को भी कार्यक्रम स्थलों पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसीलिए सभी अधिकारी, कर्मचारी व प्रबंधक राष्ट्रपति आगमन से पहले अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुसार ड्यूटी को पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 नवंबर को गीता पूजन और यज्ञ के साथ गीता महोत्सव का आगाज करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, हरियाणा ई टिकटिंग प्रोजेक्ट व 950 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा जिले के मेडिकल कॉलेज का राष्ट्रपति शिलान्यास करेंगी। जो है 29 तारीख को उनकी विजिट है, उसके संबंध में जो जो वेन्यू जहां उन्होंने विजिट करना है, क्या रूट रहेगा, उसमें क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे, उसकी तैयारी के संबंध में आज डी साहब और सिविल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी कंसर्न अधिकारी आज एक ओवरलुक इसको किया गया है ताकि हम कल तक फाइनल कर सकें कि किसकी क्या क्या ड्यूटी। सर, सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर के सफिशियंट फोर्स जो है हमको डिप्लॉय की जाएगी। जो एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा पूरी कर दी गई है, कोई इसमें समस्या की दिक्कत नहीं होगी।